विपक्ष अपने सवाल जरूर पूछे, लेकिन सरकार को यह मौका मिले कि सरकार इस पर जवाब भी दे। मेरे साथ प्रशांत और नीरज दोनों हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। प्रशांत, प्रधानमंत्री ने यह तो बता दिया कि जिस भी सवाल को पूछा जाएगा उसकी तैयारी सरकार के पास है, पूरी तरीके से तैयार होकर सरकार संसद में आ रही है, लेकिन तैयारी तो विपक्ष की भी होगी। बिल्कुल, देखिए शेरिन, कल भी जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, चाहे वो सरकार की हो, दोपहर में जब हुई थी, और शाम को लोकसभा अध्यक्ष ने जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसमें भी प्रधानमंत्री ने सभी पार्टियों से ये कहा था कि सदन में सार्थक, शांतिपूर्ण और स्वस्थ बहस होनी चाहिए। उसी बात को आज प्रधानमंत्री ने दोहराया। लेकिन आपने देखा होगा शेरिन की प्रधानमंत्री ने अपनी बात में वैक्सीनेशन के बारे में लंबी चौड़ी चर्चा की, और उनकी उन्होंने ये साफ कहा कि वो खुद चाहते हैं सरकार की तरफ से देश को ये स्थिति साफ करे वैक्सीनेशन के बारे में, और अगर विपक्ष के लोग तैयार होते हैं तो वो या तो संसद के भीतर या संसद के बाहर, दोनों जगहों पर सरकार इस मामले पर जवाब देने को तैयार है। कल भी जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी दिन में सरकार वाली, तो प्रधानमंत्री ने और सरकार की तरफ से विपक्ष को ये प्रस्ताव दिया गया था कि अलग से एक और मीटिंग बुलाकर उसमें वैक्सीन नीति और वैक्सीनेशन को लेकर जो स्थिति है आज, उसके बारे में सरकार एक प्रेजेंटेशन देना चाहती है। लेकिन उस वक्त सभी विपक्षी सदस्यों ने इस बात से इनकार कर दिया था, इस बात को खारिज कर दिया था प्रस्ताव को, और उनका कहना था कि जब संसद का सत्र चल रहा है तो संसद के भीतर सरकार को जवाब देना चाहिए। अब सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है, प्रधानमंत्री ने यह साफ कर दिया है कि वो सदन के भीतर भी इस बात पर चर्चा और इस बात पर जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा अपने सवाल में शेरिन, कि जो विपक्ष के मुद्दे हैं, दो तीन बड़े मुद्दे हैं, उस पर प्रधानमंत्री ने अभी कुछ नहीं कहा है, और विपक्ष महंगाई, कृषि कानूनों और जो जासूसी कांड जो नया मुद्दा आया है उस पर चाहता है कि सरकार से जवाब मांगे और सरकार को उसकी घेरने की कोशिश होगी। लेकिन सरकार भी, जैसा आपने कहा, कि उसकी भी अपनी तैयारी पूरी लगती है। तो देखिए, विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ आया नीरज, जैसा कि प्रशांत भी बता रहे हैं, यहां पर सरकार के लिए आसान नहीं होगा सत्र को सुचारू रूप से चलाना, क्योंकि हंगामा होगा और इसकी तैयारी विपक्ष पूरी करके आ रहा है। देखिए, संसद का जो सत्र होता है वो राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा होता है शेरिन, और हमने अब बहुत सारे सत्र देखे हैं जहां पर बहुत छोटे छोटे मुद्दों पर विपक्ष लगातार संसद को बाधित करता रहा है और संसद को अवरोध करता रहा, जिससे संसद चल भी नहीं पाती। इस बार भी संसद में विपक्ष के पास दो तीन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, खासकर किसान कानून को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, महंगाई एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, और जो प्रशांत ने कहा स्नूपिंग, जो एक सबसे बड़ा मामला है, जो एक विदेशी अखबार ने जिस पर एक खबर ब्रेक की, और उसको लेकर भी आज विपक्ष ने एक पूरा इंटरनली एक माहौल बना रखा है कि उसको भी वो संसद में उठाएंगे। तो निश्चित रूप में इस तीन मुद्दों को उठाकर वो संसद सत्र को बाधित करने का प्रयास भी करेंगे और हंगामा भी करेंगे। लेकिन जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो हर बात का जवाब देने के लिए पटल पर तैयार हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष हंगामा जरूर करेगा, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से बार बार यही बात उठेगी कि आप हमारी बात सुनिए और हमारी बात सुनकर आप तब हंगामा करिए। तो विपक्ष, और देखना यह होगा कि आज क्या रोल रहता है विपक्ष का, तो बहुत सारी चीजें तय करेंगी आज और कल के दोनों दिन के जो संसद सत्र का माहौल रहेगा, वही तय करेगा क्या क्या होता है। लेकिन तैयारी यहाँ विपक्ष की पूरी है और हंगामा होने के भी पूरे आसार यहाँ पर अभी तक लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ABP News, आपको रखे आगे।